हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं ये टमाटर सॉस बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो डाली जाए। और ये बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत टेस्टी घर पर बनती है। और घर के हमारे अपने खेत के ही उगाए हुए ये टमाटर हैं, तो ये बनकर बहुत ही टेस्टी बनती है। बाज़ार में जो आती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। और इन टमाटरों को मैंने अंदाज़ा लिया है ऐसे ही, मुझे नहीं मालूम कि कितने किलो होंगे ये, तो आप देख लीजिए। और इस तरीके से इनको छीलेंगे, टुकड़े करेंगे इसमें, और मैं इनको टुकड़े कर लेती हूँ। और इसमें ऐसे ही हम प्याज भी डालेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी साबुत लहसुन उनका छिलका उतार कर ऐसे ही डाल दीजिए। और इसमें पड़ेगा अदरक, अदरक के भी टुकड़े डालेंगे और गर्म मसाला। और फिर बताती हूँ कि इनको चीरने के बाद फिर इनको बहुत अच्छे से पकाना है, फिर मैं वीडियो में बताऊंगी आगे। और हाँ दोस्तों, मैंने ये अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। और देखिए उसके बाद ये थोड़ा इनमें पानी सा रह गया है, कहीं कहीं देखिए बूंदें ये दिख रही होंगी आपको। तो इनको मैं कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और साफ करके इस तरीके से, इसमें कोई भी कण नहीं रहना चाहिए पानी का, इस तरीके से साफ़ करूँगी। और फिर ये अच्छे तरीके से रहेगा, तो चलिए मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर ये अदरक इस तरीके से इसका छिलका उतार कर इस तरीके से किया है। और ये देखिए लहसुन को भी और प्याज को इस तरीके से काटना है। लहसुन को सबूत ही डालना है छिलके उतार के, देखिए। और अब मैं इसको गैस पर रख दिया, गैस ऑन कर दी, तो मैं अब इसको पका लेती हूँ अच्छे तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पकाना है और फिर आगे मैं आपको बताऊँगी। इसको अच्छे तरीके से पका लेती हूँ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से इसको ऐसे हिलाते रहेंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे। देखिए ये ऐसे पानी छोड़ने लगेगा और ये अच्छी तरह से भी पक जाएगा। इसको बहुत अच्छे से पकाकर फिर जब ये पक जाएगा तो ये इसमें ये जो दिखाई दे रहे होंगे ना, तो ये नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल ही चूर चूर हो जाएंगे, ये बारीक हो जाएंगे। और ये अदरक जो गलाना ज़रूरी है, इस तरीके से देखिए जब ये इतना पक जाए, ये देखिए अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसको हम यहाँ पर ब्लेंडर के साथ आए, अगर आप चाहो तो मिक्सी में कर सकते हो ठंडा कर कर, पर मैं यहाँ पर गरम गरम पर ही ब्लेंडर करूँगी, क्योंकि ब्लेंडर से ये जो अदरक है ये थोड़ा, ये देखिए ये अदरक है तो ये नहीं कूटेगा अगर हम इसे ठंडा करके फिर मिक्स करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से और बहुत प्यारा सा इसका कलर आया है। मैं इसमें कोई भी रेडीमेड कलर नहीं डालूंगी, ये अच्छे से पक गया। तो चलिए अब आगे ब्लेंड करते हैं इसको। देखिए इस तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए मैंने इसको पूरा छान लिया और इसमें से कितना कचरा निकला है, ये देखिए। इसे फेंक देंगे और इसको देखिए, यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई ली है और कढ़ाई को मैंने बिल्कुल अच्छे साफ़ किया है। इसमें कोई भी पानी का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो इसमें इसको
डाल देंगे इस तरीके से। इसमें डालने के बाद देखिए ये वाली कटोरी, मैं इसमें ये वाली कटोरी 2 कटोरी चीनी की डालूंगी। ये देखिए और देखिए ये वाला, ये इतनी मिर्च आप पीसी हुई मिर्च ही डालें, दाने वाली जिसमें बीज होते हैं वो ना डालें, और मिर्च देखकर कम ही डालें। और मैं ये नमक डाल दूंगी जितना भी आप खाते हो, और फिर ये 1 स्पून में इसमें गरम मसाला डालूंगी। और देखिए मैं इसमें ये 2 नींबू का रस, अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास सिरका हो तो आप सिरका ही डालिए, क्योंकि सिरके से बहुत ज़्यादा, मैंने 2 साल पहले बनाई थी ये बिल्कुल सेम तरीके से, ये वाली टमाटर सॉस 2 साल पहले बनाई थी, तो इसमें मैंने बनाया तो सेम ऐसे ही जो मैंने आपको बताया सेम इसी विधि से, पर उसमें मैंने सिरका डाला था, एप्पल वाला सिरका कोई भी हो आपके पास। तो उस सिरके से क्या हुआ दोस्तों, मेरा 2 साल तक ये सॉस बहुत अच्छे से चला, मैंने 2 साल पहले बनाई तो अब मेरी वो ख़त्म हुई, उसका ना तो टेस्ट बदला और ना ही उसका रंग चेंज हुआ और ना ही वो ख़राब हुई, बिल्कुल ही जैसे ये ताज़ा बनाते हैं बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट उसका अब तक था। तो हो सके तो आप दोस्तों, अब ये मैंने नींबू रस डाला है, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि नींबू वाले कितने दिन तक चलेगी, पर सिरके वाली मेरी 2 साल तक बहुत अच्छे से चली है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। और इसको आप पहले तो आप, मैंने इसकी हाई लो कर, हाई प्ले पर रखा हुआ है इसको, फिर आप उसके बाद जब इसमें पकना शुरू होगा तो इसमें छींटे लगेंगे, तो छींटे से तो आप इसे मीडियम, गैस को मीडियम कर लिए, इसे ऐसे ही घुमाते रहें चलाते रहें कड़छी को, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाएगी तो इसका टेस्ट बदल ख़राब हो जाएगा। तो अब बनाने के बाद फिर, हाँ एक बात और दोस्तों, इसमें पकने के बाद आप थोड़ा सा 1 चम्मच में लेकर इसको टेस्ट करके देख लें, अगर इसमें आपको नमक या मीठा डालना है और तो आप डाल सकते हो, अगर आपका ठीक है तो ठीक। तो मैं इसको चलाती रहूँगी ऐसे ही इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, तो नीचे लगने में इसको टाइम भी नहीं लगेगा और सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से इसे घुमाते रहें, इसमें थोड़ा सा बस 2 मिनट और पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगी हमारी चटनी, टमाटरों की चटनी तैयार। अभी भी ये तैयार नहीं हुई,
देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है, और ये देखिए सिल्की सिल्की स्मूथ सी बनी हुई है ये। देखिए दोस्तों अभी ये ठीक हो गई है, तो ज़्यादा ठीक इसे नहीं करेंगे तो ये बोतल में नहीं डलेगी। और अब मैं इसे गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं वीडियो में बताना भूल गई, तो इसको आप ढकेंगे नहीं, बिल्कुल भी बर्तन के साथ नहीं ढकोगे, क्योंकि बर्तन के साथ ढकोगे तो आप इस पर जो बर्तन के ऊपर बूंदें हो जाती हैं वो इसमें डल जाएंगी और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। पानी डलने से ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। और इसको आप कपड़े से ढक सकते हो, यहाँ पर रख के कुछ कपड़े से कवर करके ठंडा हो जाएगा, तो आप बोतल में डाल लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ।